दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। जानवरों के साथ करीबी बढ़ाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि आपको 4 साल की उम्र में जंगलों में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? क्या आप जानवरों के साथ घुल मिल जाएंगे और उन्हीं के साथ रहने लगेंगे? ये बेहद मुश्किल सवाल है, लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बुरे वक्त में जानवरों के साथ इंसानों से बेहतर संबंध बनाए हैं। जानवरों ने भी उनकी काफी मदद की है। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही इंसानों की कहानी बताएंगे जो या तो मजबूरी में या फिर अपनी इच्छा से अकेले ही कई सालों तक जंगली जानवरों के साथ रहे थे। 5 साल की उम्र में मैरीना चैपमैन को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था और एक जंगल के बीच छोड़ दिया। जंगल में किसी इंसान को ना पाकर वह एक बंदरों के समूह के साथ रहने लगी। बंदरों की मदद से उसे जंगल में खाने के लिए फल मिल जाया करते थे। कई सालों तक उनके साथ रहने से वह इंसानी भाषा भूल गई और जानवरों की तरह ही हाथ पैर जमीन पर रखकर चलने लगी। बाद में उसे शिकारियों ने पकड़ लिया और एक वैश्यालय को बेच दिया, लेकिन बाद में वो वहां से भागने में सफल रही और अब इंग्लैंड के ब्रैडफोर्ड में रहती है। मार्कोस रोड्रिगस पेंटोजा करीब 12 साल तक पहाड़ों पर जानवरों के साथ रहते थे। उन्होंने कई जानवरों के साथ वक्त बिताया। दरअसल वे एक किसान के साथ रहा करते थे और उस किसान की मौत के बाद वे अकेले पड़ गए और जंगल की ओर चले गए। उन्होंने खुद के जीने के लिए जानवरों के साथ रहना सीखा। कहते हैं कि एक गुफा में एक सांप और कुछ लोमड़ी से उनकी काफी नजदीकी हो गई थी। हालांकि बाद में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और फिर वे एक गांव में रहने लगे। ट्रेन काल्डर रोमानिया में रहता था, लेकिन सिर्फ 3 या 4 साल की उम्र में वह अपने पिता से तंग आकर जंगलों में चला गया और वहीं रहने लगा। बाद में 7 साल की उम्र में उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया। तब मालूम हुआ कि वह इतने दिन सिर्फ इसलिए जिंदा रह पाया क्योंकि कुछ आवारा कुत्ते उसका साथ देते थे। जंगल में आवारा कुत्तों के साथ वह बहुत सहज रूप से रहता था। अमेरिका की डायन फोसी पहले तो कुछ महीनों तक जानवरों को ऑब्जर्व करती रही और फिर उनके साथ घुल मिल गई। वह अफ्रीका के कांगो और रवांडा में गोरिला के साथ रहती थी। उसने एक बेस्ट सेलिंग किताब लिखी जिस पर बाद में गोरिला इन द मिस्ट फिल्म भी बनी है। हालांकि साल 1985 में रहस्यमय तरीके से उसे मार दिया गया, जिसके बाद कुछ पर्यावरण कार्यकर्ताओं पर उसकी हत्या करने का आरोप लगा। अमेरिका के हॉर्नेडो काउंटी में एक एनिमल रिहेबिलिटेशन सेंटर के फाउंडर जेम्स जॉबलॉन शेर के साथ रहने लगे। दरअसल शुरू में उनका इरादा था कि लोगों को जानवरों के प्रति जागरूक करना और उनकी मदद के लिए फंड इकट्ठा करना। वे शेर के साथ न सिर्फ खाते थे बल्कि घूमते और सोते भी थे। बदले में उनके शरीर पर मामूली सी कुछ खरोचे भी दिखाई देती थी। हालांकि इसका फायदा हुआ और 4,66,00,000 रुपए चंदे के रूप में इकट्ठा हो गए। जेन गुडेल तंजानिया के नेशनल पार्क में काम करती थी। वह 30 साल बिताते हुए वह जानवरों के काफी करीब हो चुकी थी। चिंपैंजी जैसे कुछ जानवरों के साथ उनके संबंध काफी मजबूत थे। वह उनके साथ गले मिलती, किस करती और खाना भी खाती। जॉन सेबुनिया जब 2 या 3 साल के थे तो उनके पिता ने उनकी माँ को मार डाला और भाग गए।
उस उम्र में जब बाकी बच्चे खुद से जिंदा नहीं रह पाते, जॉन ने बंदरों की मदद से जीना शुरू कर दिया। 3 साल बाद उन्होंने ये बताया कि जल्द ही बंदरों से उसकी दोस्ती हो गई। बंदरों ने पहले उन्हें खाना लाकर दिया और फिर उसे खाना तलाशना भी सिखाया। बाद में जॉन को एक कपल ने अडॉप्ट कर लिया। अपने जीवन का अधिकतर समय शॉन एलिस ने भेड़ियों के साथ बिताया है। यहाँ तक कि वो इन पर रिसर्च करने के लिए अकेले ही भेड़ियों के साथ 2 साल तक रहे, जहाँ पर वह उनकी तरह ही खाते पीते थे। उन्होंने भेड़ियों पर कुछ किताबें भी लिखी हैं, जैसे कि वोल्फ डॉग और स्पिरिट ऑफ वोल्व्स। कहते हैं कि बच्चों को कुछ गुण अपने माता पिता से विरासत में मिलते हैं। ऐसा ही कुछ टिप्पी डेगरे के साथ हुआ है। टिप्पी के माता पिता वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं और उन्होंने अपनी बेटी को बचपन से ही अपने साथ रखा है, इसलिए टिप्पी का पूरा बचपन अफ्रीकी जंगलों में ही बिता है। उस समय के दौरान वह जंगली जानवरों के काफी नजदीक आई और कई जानवरों के साथ तो उसकी दोस्ती भी हो गई। टिमोथी ट्रेडवेल ने लगातार 13 सालों तक अपनी पूरी गर्मियां कटमई नेशनल पार्क के भूरे भालुओं के साथ बिताई थी। इस दौरान उनकी ग्रिजली भालुओं के साथ इतनी दोस्ती हो गई कि वह उनके बच्चों को भी अपनी गोद में उठा लेते थे। ये ध्यान रहे कि ग्रिजली भालू सभी भालुओं में सबसे खूंखार माने जाते हैं और ये अपने बच्चों के पास किसी को आने नहीं देते हैं। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।